नमस्कार आप सभी को। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज डिस्कशन, और पहले हम एक एक सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। साथ में जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी उसके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी हम साथ साथ करेंगे। तो ये वीडियो मैंने बनाई है कि हम कितने सेशंस में क्लासेस करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट जो मैं उठा रही हूँ वो मेरी स्पेशलिटी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ कितने लेक्चर्स में हम ये सब्जेक्ट पूरा कर लेंगे। अगर आप ये सारे लेक्चर्स शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कहीं अलग वीडियो में वो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं कौन कैसे करेंगे हम। पहला लेक्चर होगा कि जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, कई बार उन टर्मिनोलॉजीज़ के मीनिंग के से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम एक छोटी सी वीडियो में वो देखेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि कौन सी कमेटीज़ थी, हेल्थ कमेटीज़, बहुत सारी हेल्थ कमेटीज़ हुई हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन हेल्थ कमेटीज़ का जो क्रक्स है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो मेन पॉइंट उन कमेटी में क्या डिस्कस हुआ था, ताकि आपको उस मेन पॉइंट से और उसके नाम से ही पता चल जाए कि हाँ इस कमेटी के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कम्युनिटी हेल्थ में, हेल्थ कमिटीज़ से, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम IMNCI जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस, ये डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इसमें कलर कोडिंग होती है, किसको हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हम IMNCI देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉर्ट एंड इट्स टाइप। टॉर्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, टॉर्ट के अलग अलग जो मीनिंग्स होते हैं कि जैसे कि डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर का क्या मीनिंग है, स्लैंडर, लाइबल, इसका क्या मीनिंग है, ये सारे टॉर्ट के अंदर आते हैं। तो हम टॉर्ट को भी जो है अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है फोर्थ लेक्चर में। लेक्चर फाइव में हम कोल्ड चेन पढ़ेंगे, कौन सी वैक्सीन कितने डिग्री पे स्टोर होती है, कौन सी लाइव वैक्सीन है, कौन सी किल्ड वैक्सीन है, ये सारी चीज़ देखेंगे। सिक्स्थ लेक्चर में हम मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स जो कि डिजीज़ इंडिकेटर्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। सेवन्थ में हम मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और अभी करंट क्या रेट चल रहा है वो सारा, कौन सी IMR क्या है करंट और MMR क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट एट लेक्चर्स में हम एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिटी पर्सपेक्टिव जो आते हैं वो एपिडेमियोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो हम एपिडेमियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। नाइन्थ लेक्चर में इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस क्या होता है हम ये देखेंगे। टेंथ में इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स क्या हैं, देन इलेवंथ में कम्युनिकेबल डिजीज़, बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, बहुत ब्रीफली जो उनके मेन सैलियंट फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और क्या क्या क्वेश्चन उनसे आ सकते हैं, सिर्फ हम वो सारी चीज़ें इनके डिटेल में नहीं जाएंगे। और फिफ्थ में भी हम ट्वेल्थ लेक्चर में भी हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो रह गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन 13th में हम ऑक्यूपेशनल जो बहुत सारे डिजीज़ होती है, बायसिनोसिस, सिलिकोसिस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और फोर्टीन्थ में हम हेल्थ प्रोग्राम्स देखेंगे। तो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अपना 14 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वीकली 2 वीडियोज़ में डालूंगी, जैसे मैंने शेड्यूल डाला है उसके अकॉर्डिंग, और वही वीडियो देख के आप भी पूरा सब्जेक्ट समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाऊँ, ताकि जो उसका निचोड़ है वो आपको टॉपिक का पता लग जाए, जिससे कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप जवाब देने के लायक बन जाएँ। थैंक यू।